आप सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन आगाज है और चंद्रशेखर भाई तक मेरा ये आगाज पहुंचाइए। साथियों अगर आपने मेरा मदद नहीं की तो साथियों मैं डिप्रेशन बहुत चढ़ रहा हूं और अगर मैं मर गया। भीम आर्मी कार्यकर्ता के मकान दुकान पोल्ट्री फार्म पर शिवराज सरकार का बुलडोजर चल गया है, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम आपको। सुरेश कुमार राका के तमाम जगह पर बने पोल्ट्री फार्म दुकान मकान को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। मामला मध्य प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के खड़ी गांव का है। पीड़ित सुरेश कुमार राका का कहना है कि गांव के ही सरपंच ने शासन और प्रशासन से मिली भगत कर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। सुरेश कुमार का कहना है कि उनके भीम आर्मी संगठन से जुड़ने के बाद हर गरीब की आवाज़ को उठाना ही उन लोगों को खल रहा था। आइए देखते हैं इस वीडियो में सुरेश कुमार ने क्या कुछ कहा है। गलत का विरोध करता हूं, किसी गरीब को मारते तो मैं खड़ा हो जाता हूं, दुख सुख में काम आ जाता हूं और मैं पे छोटे बड़े केस ऐसे कर करके लगा दिए गए, उसमें मेरे को झूठा कौन सा ऐसा अपराध है मेरा कि मैं गुंडा हूं। मेरे पे 307 आज तक नहीं है, 376 नहीं है, 300 लूट नहीं है, डकैती नहीं है, अपहरण नहीं है, मर्डर नहीं है, आज तक मैंने ऐसा काम ही नहीं करा कि मैं गुंडा हूं। साथियों बड़ी मेहनत से मैंने जमीन ली थी, कोई मैंने किसी को दबाव करके नहीं ली साथियों, और मेरी पोल्ट्री फार्म आज उसको तोड़ दिया गया और वहां जो लहसुन पड़ी थी 50 कट्टी वो भी पुलिस प्रशासन ले गई, प्याज ले गई साथियों, मेरी मशीन पड़ी थी गेहूं की वो ले गई। ये क्या है सर, ये क्या है साथियों, ये मतलब घोर अन्याय, घोर अन्याय दलित के साथ ही ऐसा हो रहा है। साथियों मैं बताता हूं कि पूरे जिले में क्या मैं ही हूं क्या गुंडा, और गुंडा कैसे हूं मैं, किसी को जोर जबरदस्ती करके मैंने कुछ करा हो तो बताओ मेरे को, मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। मेरे को बता रहे हैं कि वो तो जबरदस्ती जमीन छीनता है, कोई एक बता रहे कि आपने जमीन छीनी साथियों, केवल सिर्फ और सिर्फ मैंने बाबा साहब की प्रतिमा बैठाई, और गांव में जब अन्याय अत्याचार होता है तो खड़ा हो जाता हूं, जहां भी अन्याय अत्याचार होता है तो मैं खड़ा हो जाता हूं साथियों। तो इसका विरोध सभी का विरोध करने के करता हूं, तो उसी कारण मेरा गांव का सरपंच जो है अजीत, उसने जालसाजी करके मेरा पट्टा अवैध घोषित किया गया, मेरी दुकान तोड़वाई गई, मेरा पोल्ट्री फार्म तोड़वाया गया, वहां पे भी मेरी जमीन है ना बड़ी मेहनत से बनाई, मैं प्याज लहसुन बोया और जमीन धीरे धीरे मैंने बेचाई साथियों, और वो कहता है कि 15 बीघा से इतनी कर ली साथियों। उसके पास क्या था, उसके पास उसका बाप महीनादार दे रहा था, और उसके पास हाथ पोखलेन जैसी भी बड़ा आलीशान मकान गाड़ी आलीशान उसके पास कहां से आया, मेरी तो खोल रहा है कि इतने से इतना आया उसका पूछा जाए। साथियों आप सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन आगाज है और चंद्रशेखर भाई तक मेरा ये आगाज पहुंचाइए। साथियों अगर आपने मेरा मदद नहीं की तो साथियों मैं डिप्रेशन बहुत चढ़ रहा हूं, और अगर मैं मर गया तो इसका जवाबदार अजीत सिंह डोड़िया रहेगा। साथियों छोड़ना मत उसको, छोड़ना मत साथियों। जय भीम नवोदय, मेरे को बहुत ही टेंशन हो रहा है साथियों। मैं